हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा, प्यारा हिंदुस्तान है। बढ़े चलो हिंदी की डगर, हो अकेले फिर भी मगर, मार्ग के कांटे भी देखना, फूल बन जाएंगे पथ पर। सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। हिंदी दिवस हमें यह याद दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हिंदी भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और प्रत्येक भारतीय को अपनी मातृभाषा में बोलने में गर्व महसूस होना चाहिए। हिंदी दिवस के पावन अवसर पर आइए देखें CSDAV के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने क्या तैयार किया है। नमस्कार, मैं ईशानी ठाकुर, 1A की छात्रा। आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। निज भाषा का नहीं गर्व जिसे, क्या प्रेम देश से होगा उसे, वह भी देश का प्यारा है, हिंदी ही जिसका नारा है। कक्षा 9वीं जी का छात्र आपके समक्ष हिंदी दिवस पे एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को है जोड़ा, वो मजबूत धागा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, हिंदुस्तान का मान है हिंदी, वाणी का वरदान है हिंदी, हम सब का आधार है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो हर भारतीय की पहचान है हिंदी। धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं सभी प्यारे मित्रों, आज हिंदी दिवस के अवसर पर मुझे कुछ बोलने का सुनहरा अवसर मिला है। आशा है मेरी हिंदी पर लिखी कविता आप सभी को पसंद आए। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को है जोड़ा, वो मजबूत धागा है हिंदी, हिंदुस्तानी की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी, सरल शब्द में हम सब जाने, जीवन की परिभाषा है हिंदी, हम सब की ऐसी हो विचारधारा, हिंद है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। विविधताओं से भरी इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है, इनमें सबसे प्यारी हिंदी मातृभाषा हमको हमारी है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, इस हिंदी दिवस में मैं आप सभी के समक्ष कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जनगण की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसने बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया, वो काल जयी है भाषा है हिंदी, सरल शब्दों में गए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। इसलिए आज ही हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात, मैंने तो आज आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हिंदी दिवस के बारे में आप सभी को कुछ पंक्तियां बताने जा रहा हूँ। हिंदी मेरी ईमान है, हिंदी मेरी ईमान है, हिंदी मेरी ईमान है, हिंदी ही पहचान है, हिंदी हूँ मैं वतन भी मेरा, हिंदी हूँ मैं वतन भी मेरा, प्यारा हिंदुस्तान है। बढ़े चलो हिंदी की डगर, अकेले हो फिर भी मगर, अकेले हो फिर भी मगर, मार्ग में आएंगे कांटे देखना, मार्ग में आएंगे कांटे देखना, पद पर बन जाएंगे फूल मगर, पद पर बन जाएंगे फूल मगर। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगल में हो। धन्यवाद। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया हो, ऐसी कारगर भाषा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा हो, वो मजबूत धागा है हिंदी, हिंदी सिर्फ भाषा नहीं हमारी पहचान है। तो आइए हिंदी बोले, हिंदी सीखे और हिंदी सिखाए। हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अमी वत्सा, CSDAV पब्लिक स्कूल मोतिहारी से कक्षा 9वीं जी का छात्र हूँ।
आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सभी के सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिन भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को मान्यता मिली थी। भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है। भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था, इसलिए हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के विकास में हिंदी का योगदान अति महत्वपूर्ण रहा है। तो अगर हम भारत को एक विकसित रूप के देश में देखना चाहते हैं तो हम सभी को हिंदी का महत्व समझना होगा। एकता में ही जान है, हिंदी देश की शान है। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, 14 सितंबर 1949 के दिन आज से 72 साल पहले हमारे संविधान में हिंदी को एक औपचारिक भाषा का दर्जा मिला। इसी के लिए आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। आज 72 साल बाद दुनिया भर में हिंदी तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है और भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। भारत के 44% लोग इसको मातृभाषा मानते हैं। हिंदी का महत्व हमारे जीवन में उतना ही है जितना हमारे खाने में नमक का है। गांधी जी को ये बात पहले ही पता चल गई थी। उन्होंने BBC के साथ एक इंटरव्यू में बोला था कि हमें दुनिया वालों को भूल जाना चाहिए कि मुझे इंग्लिश भी आती है, मैं बस दो भाषाएं जानता हूँ, एक इंग्लिश, एक हिंदी और एक संस्कृत। इंग्लिश मैं भूल चुका हूँ। इससे पता चलता है कि गांधी जी को भी ये पता था कि भारत की रीढ़ की हड्डी है हिंदी और फिर ये हमारा गौरव है। सिर्फ गांधी जी ही नहीं, सारे स्वतंत्रता सेनानी को ये बात पता थी। आज के समय में हमें हिंदी को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हम अपनी माँ को देते हैं। हिंदी हमारे लिए माँ से कम नहीं है, इसीलिए हमें हिंदी को बहुत महत्व देना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबका दिन मंगलमय हो। हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम आयुष कुमार और मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आज हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं हिंदी के प्रति अपने विचारों को आप सभी के सामने रखने जा रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी का इतिहास भारत में करीब 1000 साल पुराना रहा है और हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग, हमारे सोच और हमारे विचारों का मेल है। हिंदी भाषा हमारे भारत के इतिहास और संस्कृति में मिला है। हिंदी भाषा के बगैर भारत की कल्पना शायद मुमकिन नहीं। पूरे विश्व में हिंदी भाषा की एक अलग ही पहचान है। हिंदी भाषा हमारी भावनाओं से मिलकर बनी हुई एक भाषा है। हमारे देश में कई वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा और आज भी शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव में नहीं आया हो। लेकिन आज भी हमारे देश की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है। इससे यह दर्शाता है कि हिंदी एक महान भाषा है और हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी भारत की भाषा है। और मैं आशा करता हूँ आने वाले वर्षों में भी हिंदी एक महान भाषा बनी हुई रहेगी और हिंदी की महानता में हम हमेशा गर्व करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कौटिल्य वीर और मैं हिंदुस्तान का वासी हूँ। हिंदी दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और हिंदी से ही हमारा देश हिंदुस्तान बना है। हिंदी है तो हिंदुस्तान है। आजकल के दिनों में वैसे तो हम दिन भर सिर्फ हिंदी में ही बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिलों में दूसरी भाषाओं के प्रति सम्मान बढ़ता जा रहा है और हिंदी का सम्मान धीरे धीरे हमारे दिलों में कम होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में हिंदी पूरी तरह से मिट जाएगा और जब हिंदी का कोई अस्तित्व नहीं होगा तो हिंदुस्तान को भी ख़त्म होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन मैं आप सभी से हिंदी को बोलने तथा हिंदी को महत्व देने का अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनन्या अभय, कक्षा 7वीं D की छात्रा, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सबके समक्ष कुछ पंक्तियाँ पेश करना चाहूँगी। हिंदी से बना हिंदुस्तान, तभी तो है भारत महान। हिंदी भाषा की उन्नति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान है। मिट जाएगा अस्तित्व हमारा, हिंदी अगर मिट जाएगी, आओ अलग जगाएगी, अब हिंदी फिर लहराएगी। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। शुक्रिया।